डॉजी कैंडल का जो प्रजाति है उसको मैंने कल आप सबों को बिल्कुल स्क्रीनशॉट दे दिया था, और स्क्रीनशॉट दिए थे तो शायद आप सभी लोग समझ चुके होंगे। हम थोड़ा सा पुनः एक बार फिर से इसे रिवाइज करा देना चाहते हैं, तुरंत फटाफट हम स्क्रीन में ले आते हैं। तो सबसे पहले लिख दें तो, इसके बाद सबसे पहले हम आप सबों को फटाफट इसका तो ये आपका बेरेस कैंडल डॉजी के पांचों प्रजाति। इसके बाद ये आपका बुल स्कैंडल, ये आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा साइज कम ज्यादा हो सकता है, एक ही साथ मैंने बनाने का प्रयास किया। इसका मैं नंबरिंग कर देता हूं, आप कल आप इसे लिख पाए होंगे। तो ये पहला आपका तो इस तरह से आप सभी समझ पा रहे हैं, इसका भी नंबर दे दे रहे हैं पहला। तो यहाँ हम लोग समय ना बिताकर आइए पेन डायरी लेकर तैयार हो जाए सभी लोग। ऊपर में हाय हाय लो ओपन ओपन। तो इस तरह से सभी कैंडलों में आप सभी लोग निकलेंगे। तो आइए चलते हैं डॉजी कैंडल को डॉजी क्यों कहा जाता है तो नोट करने का प्रयास करेंगे। डॉजी कैंडल का बॉडी नहीं होता है, परिभाषा में लिखे डॉजी कैंडल का बॉडी नहीं होता है। डॉजी कैंडल का बॉडी नहीं होता है इसलिए जापान के लोग इसे डॉजी कैंडल कहते हैं। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, डॉजी कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता है। डॉजी कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं होता है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, डॉजी कैंडल में पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज नहीं होगा। डॉजी कैंडल में पोजीशन चेंज होने से नाम नहीं चेंज होगा, सिर्फ काम चेंज हो जाएगा। इसके बाद लिखें बेरिस रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई, यानी ड्रैगन फ्लाई यह एक बरसाती कीड़े की तरह होती है। ड्रैगन फ्लाई यह एक बरसाती कीड़े की तरह होती है इसलिए इसे जापान के लोग इसे ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल दूसरा आपका है, ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल यह एक गाड़े हुए पत्थर की आकृति का होता है। यह एक गाड़े हुए यानी कब्र में गाड़े हुए पत्थर की आकृति का होता है। इसलिए लोग इसे ग्रेवस्टोन डॉजी कैंडल स्टिक कहते हैं। ग्रेवस्टोन डॉजी की ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होती है, यानी इसको डॉजी की ओपन और क्लोज प्राइस एक समान होती है।
ग्रे वर्स्टोन डोजी में नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। ग्रे वर्स्टोन डोजी की ऊपर की शेडो लंबी होती है। ग्रे वर्स्टोन डोजी की ऊपर की शेडो लंबी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे वर्स्टोन डोजी में नीचे की शेडो बहुत छोटी होगी। ग्रे वर्स्टोन डोजी में नीचे की शेडो बहुत छोटी होगी या तो नहीं होगी, या तो नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। ग्रे वर्स्टोन डोजी मार्केट के टॉप पर बने। ग्रे वर्स्टोन डोजी मार्केट के टॉप पर बने तो मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करता है। ग्रे वर्स्टोन डोजी मार्केट के टॉप पर बने तो मार्केट में मंदी को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रे वर्स्टोन डोजी जब मार्केट के टॉप में बनता है, ग्रे वर्स्टोन डोजी जब मार्केट के टॉप में बनता है तब मार्केट में तेजी का दौर खत्म, और मंदी का दौर शुरू होने का संकेत मिलता है। अब हेडिंग बनाएंगे, ग्रे वेस्टर्न डोजी में ट्रेड कैसे करें। इसके पहले लिख सकते हैं डियर इज ग्रे वेस्टर्न डोजी में ट्रेड कैसे करें। आगे नोट करेंगे। पहला पॉइंट, ग्रे वेस्टर्न डोजी में मार्केट कम से कम 5 से 7 या इससे ज्यादा कैंडल, तेजी के होने चाहिए, इसके उपरांत, सांकेतिक कैंडल देखना है, डोजी के पहले, सेकंड पॉइंट, ग्रे वर्स्टोन डोजी के पहले वाले कैंडल के, लो को ब्रेक करने पर ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस। हेडिंग बनाइए, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं, ग्रे वर्स्टोन डोजी के हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जब भी ट्रेड ले तो, ट्रेड लेने की और स्टॉप लॉस की दूरी, रिक्स रिवार्ड रेशियो, एक अनुपात 3 होनी चाहिए, ठीक। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे, बिल्कुल बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा है, आज लोग जुलूस रैली वगैरह निकाले हैं, अब राम मंदिर वहां कल उसका उद्घाटन होगा और यहाँ लोग आज ही हंगामा चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग लिख चुके होंगे, आइए हम आप सबों को मार्केट में ले चलते हैं कि कैसे कौन सा कैंडल हमारा कहाँ बनेगा और उसमें हमें कहाँ स्टॉप लॉस और एंट्री लेनी है। हम समझते हैं कि आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आइए हम आगे बढ़ते हैं। जी रिंकू राणा सर, जरा सा कंफर्म करेंगे सर। चलिए अब आपको मार्केट में दिखाते हैं कि कैसे हमारा 5-7 कैंडलों के तेजी के बाद, पांच
सौ चंद्रों के तेजी के बाद अगर स्टॉप में आपका ये आपका मान के चलते हैं कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बना या आपका इस तरह से अगर आपका बनता है तो इसके बाद आपका इस तरह से पांच सात कंधों की तेजी के बाद मान के चलिए यहाँ आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी बना, तो क्या करेंगे, ये आपका प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करने पर, यानी यहाँ आपका लो को ब्रेक करने पर यहाँ हमारा सेल का एंट्री जी सेल का एंट्री होगा और इसके हाई के ऊपर यानी यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा। आइए हम इसे लिख देते हैं। जी यहां से क्या करेंगे हम, यानी कि यहां हमारा एंट्री हो जाएगा और ये आपका स्टॉप लॉस लगा और इसके बाद पांच सात कैंडलों के गिरावट के बाद अगर यहाँ आपका मान के चलिए कि अगर कोई सांकेतिक कैंडल बनता है तो हम अपना ट्रेड यहाँ से रिमूव कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे और इस तरह से हम यहाँ से आगे अपना ट्रेड को निकाल लेंगे। ये आपका पांच सात कैंडलों के बढ़ोतरी के बाद ये आपका जो लगा सांकेतिक कैंडल, ये सांकेतिक कैंडल बनने के बाद हम पुनः एंट्री हमें यहां से लेना है और इसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट अगर नीचे की ओर जा रहा है तो हम बेहतर इससे लाभ ले सकते हैं। ये आपने देखा ये मार्केट के टॉप में बना, ये मार्केट के टॉप में बना, टॉप में बनता है। अब आगे देखते हैं कि बॉटम में अगर बने तो हम समझते हैं कि यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अगला हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में गया यानी पांच सात कैंडलों के गिरावट के बाद अब यहां आपका चाहे ड्रैगन फ्लाई डोजी बने या आपका ग्रे बस्टोन, या तो आपका ग्रे बस्टोन बने या तो आपका इस टाइप का, यानी दोनों में से कोई, यानी चारों में से फोर प्राइस को छोड़कर स्टार डोजी बने, लॉन्ग ब्लेड डोजी बने, ग्रे बस्टोन डोजी बने या आपका ड्रैगन फ्लाई बने, तो यहां से क्या होगा मार्केट रिवर्स हो जाएगा।
और इस तरह से हमारा अब एंट्री कहाँ होगा? तो एंट्री हमारा यानी ये आपका प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करने यानी कि यहाँ हमारा थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है और स्टॉप लॉस हम यहाँ लगाएंगे और इसके बाद मार्केट को इस तरह से देखते हुए हम अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे। यानी कि 5-7 कैंडलों की गिरावट के बाद हम क्या देखेंगे कि अगर सांकेतिक कैंडल बना, ये चाहे डोजी के कोई भी कैंडल यानी फोर प्राइस को छोड़कर यानी ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवर स्टोन, स्टार डोजी या लॉन्ग लेज कोई भी बनता है, तो इसके बाद हमारा एंट्री का यहां से हमारा एंट्री होगा यानी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर और सांकेतिक कैंडल के लो पर, लो के नीचे यानी यहां हमारा स्टॉप लॉस हो गया। आइए हम इसे लिख देते हैं। यहाँ हमारा बाय का एंट्री हो जाएगा और स्टॉप लॉस जी इस तरह से यहां से आप देखेंगे ना, यहाँ हमारा जहां तक बेहतर मार्केट जाता है तो हम वहां तक प्रॉफिट बुक करेंगे। यानी कि 5-7 कैंडलों के गिरावट के बाद अगर आपका सांकेतिक कैंडल बनता है तो प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने, यानी यहाँ प्रीवियस के हाई को ब्रेक करने पर यहाँ हमारा बाय का एंट्री हो जाएगा और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से हम सभी लोग यहाँ से ट्रेड ले पाएंगे। आइए आप सबों को स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और अब आप सबों को हम मार्केट में ले चलते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ से डोजी बनता है और उसका क्या परिणाम आता है जी। तो चलिए हम चलते हैं मार्केट में ले सबों को और मार्केट में आप दिखाते हैं कि इसका क्या हमें परिणाम मिलता है। पेन ब्रश ले लेते हैं। चलिए हम चलते हैं, अब आप सबों को दिखाते हैं कि बीटीसी में, बीटीसी यूएसडीटी पर ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ छोटा सा है, यहाँ भी है, थोड़ा सा नीचे उतारा है लेकिन यहाँ बिल्कुल साइडवेज है इसलिए इसका प्रारूप देख नहीं पा रहा है। आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ ग्रीन डोजी बना है, तो क्या किया है ये मार्केट को धीरे 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 यहाँ से यहाँ तक लाया, यानी कि कलर का महत्व नहीं होता है यही बताया जाता है कि चाहे वह रेड कलर का हो, रेड कलर का होता है तो बेहतर ले जाता है। यहाँ आप देखें एक आपका डोजी यहाँ बना है जो इतना बढ़िया मार्केट को उठाया है और एक डोजे यहाँ ग्रीन बना है जो मार्केट को यहाँ से यहाँ तक लाया है। आगे देखते हैं। यहाँ भी देखते हैं यहाँ आपका दो दो रेड में बना है, तो कहेंगे कि रेड बनने के बाद तो सीधा डाउन ट्रेंड में जाना चाहिए, नहीं वो थोड़ा सा यानी कि ऊपर से नीचे आ गया और नीचे से बना
यहाँ से मार्केट को यहाँ तक ले आए, यहाँ भी एक बना छोटा सा। तो इस तरह से हम इसके हर एक प्रारूप को हम देखते जाएंगे और पकड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ भी देखें, यहाँ आपका डबल डोजी बना, यानी कि यही कहा जाता है कि डबल इंजन लगा है। यहाँ आप देखें रेड के जगह पर ग्रीन बना है, दो दो डोजी बना है, और ये मार्केट को यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ और यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक ले आया। तो हम समझते हैं कि आप सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे।